नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा। तो ये स्टोरी है डॉक्टर जॉन स्नो और उनके द्वारा किए गए एक इंपॉर्टेंट मेडिकल रिसर्च के बारे में। 1854 में लंदन में कॉलेरा का एक बहुत ही बड़ा आउटब्रेक हुआ था और कॉलेरा महामारी कैसे फैलती है इसके बारे में तब कोई जानकारी नहीं थी। तो इसके बारे में रिसर्च करके और एक डेफिनेट हाइपोथेसिस पेश किया था डॉक्टर जॉन स्नो ने और आज इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है इस रिसर्च के कारण। तो ये क्या रिसर्च था, कैसे इन्होंने किया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी कि आईएएस और अन्य कई गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। इन कोर्सेज की मदद से आप घर बैठे इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजिए। ये है डॉक्टर जॉन स्नो। ये लंदन में रहते थे 1840s और 1850s में। उस शहर के और इंग्लैंड के सबसे जाने माने डॉक्टर्स में से एक थे। इनफैक्ट इन्होंने एनेस्थीसिया पर भी इतना काम किया था कि इन्हें क्वीन विक्टोरिया को एनेस्थेसाइज करने के लिए बुलाया गया था 2 बार। तो ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे। पहली बात, इनका जो नॉर्मल वर्क था एनेस्थीसिया के फील्ड में या मेडिकल फील्ड में वो अपने आप में पायनियरिंग था। और उसके अलावा इन्होंने कॉलेरा आउटब्रेक्स को समझने के लिए भी बहुत सारा काम किया जिसके कारण आज इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने लंदन शहर में जब भी कॉलेरा का आउटब्रेक हुआ तो उसे काफी सिस्टमैटिकली स्टडी किया। केवल 1854 में ही नहीं, उसके पहले भी किया था और उसके बाद में भी करते रहे। कई सालों तक, कई दशकों तक इन्होंने कॉलेरा पर काम किया। इनफैक्ट इनकी खुद की पर्सनल स्टोरी, लाइफ स्टोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस पर एक अलग लेक्चर बनाया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि सिद्धांत सर आपके लिए इस पर एक अलग से लेक्चर ला पाएं। जॉन स्नो का ये रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट था कि आज 150 सालों बाद भी हमारी लाइफ पर इसका असर पड़ रहा है। कैसे? आज जो आप मॉडर्न सिटीज में जितना भी सीवरेज नेटवर्क देखते हैं वो सभी इनके रिसर्च के बाद ही बनना शुरू हुआ था। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों हुआ था, इसी की ये कहानी है। तो सबसे पहले जानते हैं कॉलेरा क्या है। कॉलेरा एक बीमारी है जिसे हम हिंदी में हैजा भी कहते हैं। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये फैलती है लोगों में और इसके कारण, कॉलेरा के कारण हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे 19वीं सदी में। पहले कॉलेरा की डिजीज मोस्टली एशिया में देखी जाती थी, लेकिन जब एशिया और यूरोप के बीच में कॉन्टैक्ट बढ़ना शुरू हुआ ड्यूरिंग द 17th century 18th century, तो उसके बाद ये बीमारी ट्रैवल करके यूरोप भी पहुंच गई और यूरोप में 1831 से खास करके लंदन शहर में कई बार कॉलेरा की एपिडेमिक्स देखी गई जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की डेथ होती थी एक एक शहर में। तो कॉलेरा 19वीं सदी में एक बहुत बड़ी किलर महामारी के रूप में देखा गया था। आज भी कॉलेरा कई देशों में मौजूद है, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पर सीवरेज सिस्टम्स नहीं है। आज भी ये 30 से 50 लाख लोगों को अफेक्ट करता है और हर साल कम से कम 1 लाख लोग मारे जाते हैं इस बीमारी से इन 2019। कॉलेरा को कॉज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरे। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसका सबसे मेन सिम्टम है डायरिया, एक वाटरी डायरिया होता है, व्हाइट कलर का डायरिया होता है जो कई दिनों तक चलता है, 2 या 3 दिन। और इसमें इंसान सुबह सुबह तो आराम से चल रहा होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन इसका अटैक इतना सडन होता है कि 2-3 घंटे के अंदर ही आप चलने की हालत में भी नहीं रहेंगे। इतना ज्यादा डायरिया, इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है, मसल क्रैम्प शुरू हो जाते हैं। 8 to 10 liters फ्लूइड लॉस हो जाता है कई पेशेंट्स में एक दिन के अंदर अंदर अगर डायरिया को कंट्रोल ना किया गया। और डायरिया और फ्लूइड लॉस के कारण कई अन्य सिम्टम्स देखे जाते हैं, संकन आईज, कोल्ड स्किन, स्किन इलास्टिसिटी कम हो जाती है, रिंकलिंग हो जाती है, स्किन ब्लू पड़ने लगती है और धीरे धीरे ब्लड इतना थिक हो जाता है कि ऑर्गन्स शट डाउन होने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है पेशेंट्स की। और ये मौत कुछ घंटों से लेकर 2 या 3 दिन के अंदर होती थी। तो इट वॉज अ वेरी पेनफुल डेथ, अ वेरी पेनफुल डिजीज। और इसकी फिटैलिटी रेट इतनी ज्यादा हाई थी कि ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट्स जिन्हें कॉलेरा होता था उनकी डेथ हो जाती थी। आज भी अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये फिटैलिटी रेट्स यही होंगी। तो अनट्रीटेड कॉलेरा की फिटैलिटी रेट बहुत ही हाई है, इसीलिए ये बीमारी इतनी घातक थी। विब्रियो कॉलेरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह का नजर आता है, लेकिन 19वीं सदी में कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था और प्रेवलेंट थियरी ये थी कि बीमारियां फैलती है मायाज्मा के कारण। उस वक्त बैक्टीरिया, वायरसेस, इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग, सारे डॉक्टर्स ये मानते थे या सारे मेडिकल रिसर्चर्स ये मानते थे कि एक मायाज्मा होता है। मायाज्मा का मतलब होता है खराब हवा, बैड एयर। तो जैसे वो शब्द आपने सुना होगा कि आबो हवा खराब है, तबीयत खराब हो जाएगी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं से हैं। ये काफी पुराना और आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये डिबंक हो गया था 1880 आते आते जब साइंटिस्ट ने जर्म थियरी प्रपोज करी। और जर्म थियरी के अंदर ये बताया गया कि कुछ स्पेसिफिक जर्म्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये कॉज करवाते हैं बीमारियों को, ना कि आबो हवा। तो जब जॉन स्नो कॉलेज में पढ़ रहे थे 1830 के दशक में, तब उन्हें भी यही थियरी पढ़ाई गई थी और उस समय के ज्यादातर डॉक्टर्स इसी थियरी को बिलीव करते थे।
अब हम बात करते हैं लंदन शहर की हालत के बारे में। 1800s में लंदन की सैनिटरी कंडीशंस बहुत ही बेकार थी, मतलब अगर मैं पुअर शब्द का इस्तेमाल भी मैंने यहाँ किया है तो आई हैव पुट इट वेरी काइंडली। ज्यादातर लोगों के पास रनिंग वाटर यानी कि घरों में पाइप्ड वाटर नहीं था, मॉडर्न टॉयलेट्स नहीं थे। अब यहां पर मैंने लिखा है ज्यादातर इसीलिए क्योंकि जो आज आप एक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं फ्लश के साथ, उसका आविष्कार हो चुका था और वो अमीर लोगों के घर में हुआ करता था। उस वक्त एक वो स्टेटस सिंबल था, लेकिन केवल अमीर लोगों के घर में। ज्यादातर जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जो फैक्ट्रीज में काम करती थी, उनके पास ना ही कोई रनिंग वाटर था, ना ही कोई मॉडर्न टॉयलेट। पीने का पानी इस तरह के पंप से निकाला जाता था। ये एक वाटर पंप है जिसे हम भारत में आमतौर पर हैंडपंप कहते हैं। आप में से अगर सिटीज में रहने वाले लोग हैं तो उन्होंने शायद ये कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जो गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसे डेफिनेटली देखा होगा और यूज भी किया होगा। तो अब तो ये काफी कम हो गए हैं, शहरों में तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं, बट आज भी भारत में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें गड्ढा खोद के वाटर कॉलम तक पाइप डाल दी जाती है और यहां से उसे इस रॉड को आप पुश करिए तो पानी आएगा। तो 1800s में लंदन की हर गली या एटलीस्ट दो गली में एक पंप ऐसा होता था और यहीं से लोग पानी भरकर घर पे ले जाया करते थे और इसी को डायरेक्टली पी लेते थे। और सीवेज की अगर बात करूं तो हर घर के बाहर या फिर घर के बेसमेंट में ही एक इस तरह का गड्ढा होता था जिसे सेस पिट या सेस पूल कहा जाता था। तो जो भी घर का मल मूत्र है वो सारा इसी में विसर्जित कर दिया जाता था। जो अफोर्ड कर सकता था वो इन गड्ढों को साफ करवा देता था कुछ कुछ समय में, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें साफ करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ये ओवरफ्लो होकर सीधा बाहर गलियों में बहता था और गलियों से होते हुए सीधा टेम्स नदी में पहुंच जाता था। 1840 आते आते शहर के कई एरियाज में पाइप्ड वाटर पहुंच चुका था, पाइप से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन ज्यादातर शहर के हिस्सों में लोग डिपेंडेंट थे इन्हीं हैंडपंप्स और कम्युनिटी वेल्स पर। जब फ्लश टॉयलेट का आविष्कार हुआ और वो थोड़ा कॉमन होने लगा रिच और अपर मिडिल क्लास के लोगों में, तो ये फ्लश टॉयलेट ने समस्या और बढ़ा दी, क्योंकि जब पानी आने लगा मल मूत्र के साथ तो सेस पूल जल्दी भरने लगे और ये ज्यादा जल्दी ओवरफ्लो होकर बाहर गलियों में बह जाते थे। तो इस तरह की गलियां होती थी लंदन की। ये एक एवरेज सीन था लंदन की किसी भी गली का 1840 या 1850 के दशक में। हालांकि ये तो एक मॉडर्न सेप्टिक टैंक है जो ओवरफ्लो हो रहा है यहां पर, लेकिन ऐसी ही स्थिति हो जाती थी लंदन की हर गली में। फिर बात करते हैं वाटर कंपनीज की। 1830 और 40 के दशक में कुछ कंपनीज ने थेम्स नदी से पानी पंप करके लोगों के घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। एक फैसिलिटी दे दी कि आपको जाकर कुएं से या हैंडपंप से पानी नहीं लाना है। तो कई लोगों के घर पर पाइप्ड वाटर भी पहुंचने लग गया था, लेकिन अगेन वो इतना सफिशिएंट नहीं था, इसलिए लोग अगे हैंडपंप्स का भी इस्तेमाल करते थे। इन कंपनीज ने थेम्स नदी के किनारे अपने पंपिंग स्टेशन लगा रखे थे और कोई कंपनी थोड़ा बहुत पानी को फिल्टर कर लेती थी, बाकी ज्यादातर कंपनियां बिना फिल्टर किए सीधे लोगों के घरों में पानी पहुंचा देती थी। तो ऐसे में कॉलेरा एपिडेमिक होनी लाजमी थी और 1831 में लंदन की सबसे पहली बड़ी कॉलेरा एपिडेमिक आती है। उस वक्त जॉन स्नो एक डॉक्टर के असिस्टेंट थे, अप्रेंटिस थे, खुद डॉक्टर नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने इस कॉलेरा आउटब्रेक के दौरान कई पेशेंट्स को देखा, क्लोजली ऑब्जर्व किया और खुद के नोट्स रखने शुरू कर दिए। तो उसी समय से उनका कॉलेरा के अंदर इंटरेस्ट जाग गया। आगे जाकर वो खुद डॉक्टर बन गए, काफी 2-3 डिग्रीज उन्होंने ले ली एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस इन लंदन। तो जब 1848 में ये एपिडेमिक आई फिर से लंदन में, उस समय ये बहुत ही घातक थी, 14,000 लोगों की मौत हो गई। जस्ट इमेजिन कीजिए, लंदन की आबादी उस वक्त थी अराउंड 25 लाख, 25 लाख के शहर में 14,000 लोगों की मौत हो गई थी 1848 और 1849 में। अब डॉक्टर जॉन स्नो ने इस 1848 की एपिडेमिक के बाद अपनी एक रिसर्च पब्लिश करी। उनका यह हाइपोथेसिस था कि इस बीमारी के लक्षण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में देखे जाते हैं, इसका मतलब ये सांस से या फिर हवा से तो नहीं फैलती है, वरना लक्षण कहां नजर आते, लंग्स में, सांस में तकलीफ होती, लेकिन तकलीफ तो पेट में हो रही है, इसका मतलब खाने या पीने के कारण ये बीमारी फैलती है। ये उनका हाइपोथेसिस था। फिर उन्होंने क्या करा कि एक रिसर्च किया कि पानी की जो कंपनियां हैं इनके पंपिंग स्टेशन कहां है। तो आप जानते ही हैं कि रॉ सीवेज सारा टेम्स में बहा दिया जाता था, तो जो शहर के डाउनस्ट्रीम में जो पंपिंग स्टेशन थे उन कंपनियों का पानी ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा था, और जिनके पंपिंग स्टेशन थोड़े से अपस्ट्रीम थे वहां पे लोग कम बीमार पड़ रहे थे। तो उन्होंने अपनी एक स्टडी पब्लिश करी 1849 में ऑन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कॉलेरा। इसमें उन्होंने अपना ये थियरी आगे रखा कि पंपिंग स्टेशन जो हैं, पानी की जो ये कंपनियां हैं, इनको कुछ करना चाहिए, कंटेमिनेटेड वाटर लोगों के घर तक पहुंच रहा है और इसी के कारण कॉलेरा फैल रहा है। लेकिन उनकी इस हाइपोथेसिस को सभी ने नकार दिया, जिनमें डॉक्टर्स शामिल थे, उस समय का हेल्थ बोर्ड यानी कि एक तरह से जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी वो शामिल था, और भी जो भी रिसर्चर्स थे, सबने पूरी तरह से नकार दिया कि ये थियरी बिल्कुल गलत है, मायाजमा वाली थियरी सही है। लेकिन जॉन स्नो ने ठान लिया था कि मैं अपनी थियरी को सही प्रूव करके दिखाऊंगा एक ना एक दिन, और वो मौका उन्हें मिला कुछ ही सालों बाद 1854 में। 1854 में कॉलेरा फिर से लंदन लौट कर आया, और इस बार ये जॉन स्नो के घर के काफी नजदीक था, सोहो एरिया के पास में ही वो रहते थे और वहीं पे आउटब्रेक हुआ था।
जैसे ही महामारी फैलने की खबर आती है, जॉन स्नो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर सीधे पहुंच गए गलियों में। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से सवाल पूछने शुरू किए, और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि देखिए जहां पर डेथ हुई है उस घर में अगर कोई रिसर्चर सवाल पूछ रहा है तो कितना मुश्किल काम रहा होगा, आप इमेजिन कीजिए। लेकिन जॉन स्नो बहुत डेडिकेटेड थे और इन्होंने हर घर में जाकर पहले तो ये देखा कि किस घर में कितनी मौत हो रही है, उनसे ये पूछा कि आप पानी कहाँ से लेकर आते हो, तो सभी ने बताया कि हम इस पंप से या उस वाटर पंप से या उस कुएं से पानी लाते हैं। तो ये सारा डेटा इन्होंने मैप पे चार्ट आउट करना शुरू किया, और दूसरा काम ये किया कि उन घरों से वाटर सैंपल लेकर अपनी लैब में टेस्ट करने भी शुरू किए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्टडी थी वो ये थी कि उन्होंने मैप के बेसिस पे एपिडेमिक को, महामारी को स्टडी किया। उसके पहले ये काम किसी ने नहीं किया था, फर्स्ट टाइम जॉन स्नो ने ही ये काम किया। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर मौतें जो है वो इस एक गली के आसपास हो रही हैं, ब्रॉड स्ट्रीट उसका नाम था। तो ये जो ब्रॉड स्ट्रीट है इस पर एक हैंडपंप था, वाटर पंप था, ज्यादातर लोग इसी से पानी पिया करते थे, और इसका पानी इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि कुछ आसपास की गलियों के लोग भी स्पेशली आते थे यहां पर पानी भरने के लिए। तो जब उन्होंने इस मैप को अच्छे से बनाया और एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि कहां पर वाटर पंप्स हैं, एक यहां पर था, एक यहां पर था, एक यहां कहीं था, तो बेसिकली इस वाले के आसपास ही सबसे ज्यादा मौत हो रही थी। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर डेथ जो उन घरों में हो रही थी। तो इन्होंने इसको स्टडी किया और ये कंक्लूसिवली उन्होंने पता कर लिया कि कहीं ना कहीं इस हैंडपंप से ये मौतें जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे अपनी स्टडी में, इन्हें दो अपवाद, दो एक्सेप्शंस नजर आए। पहला था इस पंप के बिल्कुल नजदीक में स्थित एक ब्रूअरी, यानी कि जहां शराब बनाई जाती है, तो इस ब्रूअरी में बियर बनाई जाती थी और यहां जो 15-20 वर्कर्स काम करते थे वो कोई भी इस हैंडपंप से पानी नहीं पीते थे, वो केवल बियर पीते थे, उसके अलावा कुछ नहीं पीते थे। ये काफी कॉमन ट्रेडिशन था, इस पे हंसना मत, 19th सेंचुरी में दिस वॉज क्वाइट कॉमन, क्योंकि पानी की क्वालिटी इतनी खराब होती थी कि लोग कहते थे कि शराब ज्यादा प्योर होगी। दूसरी ओर एक वर्कहाउस था जो काफी नजदीक में स्थित था, वर्कहाउस में 500 लोग रहते थे और इनमें से कोई बीमार नहीं पड़ा। तो वर्कहाउस में जाकर जब पता किया तो उन्होंने बताया कि हमारा तो अपना कुआ है, हम अंदर ही यहीं से पानी लेते हैं, हम बाहर जाकर इस पंप से पानी नहीं लेकर आते। लेकिन अभी जॉन स्नो संतुष्ट नहीं हुए थे क्योंकि कुछ और एक्सेप्शंस भी थे। दो महिलाएं जो इस ब्रॉड स्ट्रीट से काफी दूर रहती थी वो भी कॉलेरा के कारण मारी गई, और उस एरिया में और कोई नहीं मरा था, सिर्फ ये दो लोग मरे थे इतना दूर। फिर कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे थे जो मर गए थे, उसके अलावा 3-4 वर्कर्स थे वो भी मारे गए कॉलेरा के कारण। तो जब इन लोगों के घर पे गए जॉन स्नो तो पता चला कि ये जो वर्कर हैं ये ब्रॉड स्ट्रीट होते हुए अपने काम पर जाते थे और रास्ते में वहीं से पानी पीते थे। स्कूल के बच्चों का भी यही था, वो स्कूल के रास्ते में उसी पंप से पानी पिया करते थे। लेकिन ये जो दूर रहने वाली एक माँ बेटी थी, इनकी डेथ कैसे हुई? तो इनके घर पे जाकर जब इनके पति से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये महिला बचपन में ब्रॉड स्ट्रीट पर रहती थी, तो उसे उस कुएं का पानी बहुत प्यारा लगता था, मीठा लगता था, तो जब भी कोई रिश्तेदार या कोई मिलने वाला उधर से आ रहा होता था तो उसे कहती थी पानी लेते आना जरा उस हैंडपंप का। तो वो पानी 2 दिन पहले ही उसने पिया था, उसने और उसकी बेटी ने, और इन दोनों की भी डेथ हो गई। तो अब जॉन स्नो पूरी तरह से कन्विंस हो चुके थे कि ये जो कुआ है यही सोर्स है। उन्हें ये नहीं पता था कि विब्रियो कॉलेरा क्या है, बैक्टीरिया क्या है, नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि पानी का जो सोर्स है वही रीजन है कॉलेरा का। अब ये जो दो एक्सेप्शंस थे ना, इसके कारण इनकी थियरी बिल्कुल सही प्रूव हो गई। आगे जाकर इस तरह के एक्सपेरिमेंट को डबल ब्लाइंड कहा जाने लगा। तो आज जो मॉडर्न डे एपिडेमियोलॉजी है उसमें ये डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही कंफर्म किया जाता है। उन्हें भी नहीं पता था कि मैं एक नई मेथोडोलॉजी ही इन्वेंट कर रहा हूं। तो ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो स्नो ने कुल मिला के 197 विक्टिम्स को ट्रैक कर लिया 2 दिन के अंदर अंदर। बाय द वे ये सारा काम उन्होंने बिना सोए 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर किया था। और तीसरे दिन वो अपनी पूरी थियरी बनाकर अच्छे से लेकर प्रेजेंट करने गए हेल्थ बोर्ड के पास, यानी कि जो हेल्थ अथॉरिटीज थी उनके पास। उन्होंने कहा कि इस हैंडपंप को बंद करा दो, इसका हैंडल तोड़ दो, वरना लोग इससे पानी पीते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। अब जो उस वक्त हेल्थ बोर्ड था उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने जॉन स्नो को खुश करने के लिए, बड़े डॉक्टर साहब थे, उनको खुश करने के लिए हैंडल तोड़ दिया। ये काफी एक मतलब अपने आप में एक लेजेंडरी इंसिडेंट बताया जाता है, और इसीलिए लंदन में आज भी ये बिना हैंडल का हैंडपंप वहां पर लंदन की म्यूनसिपैलिटी ने लगा रखा है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह उसी जगह पर। जैसे ही ये हैंडल रिमूव किया गया वैसे ही मौतों की संख्या घटने लगी। तो आप देख सकते हो कि जहां 1-2 सितंबर को कितनी ज्यादा मौतें हो रही थी, और वैसे ही जैसे हैंडल हटाया जाता है नंबर ऑफ डेथ्स स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो ये एक नॉर्मल एपिडेमिक या पैंडेमिक का कर्व होता है, और इसी को हम कहते हैं कि एपिडेमिक पैंडेमिक ऐसे फैलती है एकदम से, और इसके कारण हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो अगर ये ऐसे की बजाय अगर फ्लैट कर्व में आगे बढ़ती है तो हमारे हॉस्पिटल किसी भी महामारी को बेटर हैंडल कर सकते हैं, इसी को कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। अब 20 दिन और 600 लोगों की जान लेने के बाद ये एपिडेमिक खत्म तो हो गई, लेकिन जॉन स्नो अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि इस हैंडपंप के कारण ही कॉलेरा फैला है, लेकिन रीजन क्या है, ये हैंडपंप क्यों, दूसरा हैंडपंप क्यों नहीं, इस बात को पता करने के लिए वो अपनी रिसर्च उन्होंने जारी रखी। तो जॉन स्नो ने एक लोकल फादर की मदद ली, हेनरी व्हाइटहेड उनका नाम था। ये फादर यानी कि जो पादरी हैं, क्योंकि वो जनता के साथ बेटर कनेक्टेड होते हैं,
तो उनके साथ जब घर पे जाते थे तो लोग थोड़ा और खुलकर बताते थे, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जॉन स्नो को मिलती थी। तो ये जो फादर हैं, इनके मदद से जॉन स्नो को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में पता चला। वो ये कि जो पंप था उसके बिल्कुल पास वाले घर में एक बच्चा था जो सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ था 30 अगस्त को, यानी कि सबसे पहले दिन वही बच्चा अफेक्ट हुआ था। और वो बच्चा 4 दिन तक जिंदा रहा था, लेकिन 4 दिन तक उसको डायरिया था। तो उस बच्चे की माँ ने जो डायपर्स हैं उनको धोकर उस सेसपूल के अंदर डाल दिया, जो घर के नीचे सेसपूल था, और वो सेसपूल उस ब्रॉड स्ट्रीट वाटर पंप से केवल 3 फीट की दूरी पर था। यानी कि जिस घर में सबसे पहला बच्चे को डायरिया हुआ था उसके जो नैपीज हैं वो धोए गए थे, वो गंदगी यहाँ पर गई इस सेसपूल में, और ये सेसपूल लीक कर रहा था, और इससे केवल 3 फीट की दूरी पर यहाँ पर ये पंप लगा हुआ था। तो अल्टीमेटली उन्होंने जाकर अथॉरिटीज़ को बोला कि इसे हटाओ, और कुछ महीने बाद जब इस सेसपूल को खोदकर देखा गया तो पाया गया कि हाँ, इन दोनों के बीच में कंटेमिनेशन हो रहा था, तो इन दोनों को हटा दिया गया। तो जॉन स्नो का कंट्रीब्यूशन एपिडेमियोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक तरह से पूरा नया हाइपोथेसिस दुनिया के सामने रखा कि कॉलेरा कैसे फैलता है हवा नहीं बल्कि पानी के माध्यम से। अपने हाइपोथेसिस को उन्होंने सिस्टमैटिकली टेस्ट किया, ड्रिंकिंग वाटर और कॉलेरा के बीच का जो ये लिंक था लंदन में, इसे इन्होंने एस्टैब्लिश किया, और इंटरवेंशन भी सुझाया, यानी कि पानी हटा दो या फिर गंदे पानी का सोर्स हटा दो तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी बीमारी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अगर किसी, जैसे कॉलेरा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 या 3 दिन का है, अगर आप अफेक्ट हो गए तो उसी दिन या फिर विदिन 3 डेज आपको सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने पूरे एरिया का वाटर पंप अगर पहले दिन हटा दिया तो कम लोग इन्फेक्ट होंगे, लेकिन अगर वो सोर्स जारी है यानी कि उस गंदे पानी को लोग पीते जा रहे हैं तो ये बीमारी चलती जाएगी महीनों महीनों तक। और यही रीजन है कि कॉलेरा कई महीनों तक चलता है, इनफैक्ट इट वॉज अ पैंडेमिक इन द 19th century। कई देशों में लाखों लोग मर गए थे कॉलेरा के कारण, क्योंकि वो इस बात को, इस लिंक को समय रहते समझ नहीं पाए। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि जब कॉलेरा और पानी के बीच में लिंक 1854 में ही मिल गया था, यानी कि फीको ओरल रूट जिसे आज हम कहते हैं मेडिसिन में, वो एस्टैब्लिश हो गया था, तो फिर कॉलेरा 19वीं और 20वीं सदी तक इतनी बड़ी महामारी क्यों बना रहा? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जॉन स्नो की थ्योरी को उस वक्त किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ना ही दूसरे डॉक्टर्स ने, ना ही पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने। यस, इवन आफ्टर 1854 जब उन्होंने बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर दिया कि यही रीजन है, हैंडपंप वाला पूरा सिनेरियो उन्होंने समझाया सभी को, लेकिन सबने इसे मानने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम आपका ये जो सजेशन है कि सेस पूल्स को क्लीन करवाया जाए, सीवरेज सिस्टम बनाया जाए, इसे नहीं मानेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें 1858 में वो बनवाना पड़ा, क्योंकि 1858 में ये सीवरेज की समस्या इतनी भयानक हो गई कि टेम्स नदी से इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कि लोगों का घर में बैठना मुश्किल हो गया, और इस इवेंट को कहते हैं द ग्रेट स्टिंक ऑफ लंदन। इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कि पार्लियामेंट बंद करनी पड़ी, लोग घरों में नहीं बैठ पाते थे। तब लंदन शहर ने डिसाइड किया और इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सीवरेज सिस्टम बनाने शुरू किए, और देखिए, किस्मत देखिए कि 1858 में ही जॉन स्नो की डेथ हो गई थी। तो ही डिड नॉट लिव टू सी हिज ओन डिस्कवरी हेल्पिंग मैनकाइंड। और 30 साल बाद रॉबर्ट कोच नाम के एक जर्मन फिजिशियन ने ये प्रूव कर दिया कि बैक्टीरिया या वायरसेस या जो भी जर्म्स हैं वो बीमारियां करवाते हैं, ना कि ये मायाजमा। तो जिसे जॉन स्नो ने पॉइजन कहा था कि पानी के थ्रू ये पॉइजन फैल रहा है, ये कॉलेरा फैला रहा है, उसे रॉबर्ट कोच ने बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर दिया कि ये सभी जर्म्स हैं, और ये जर्म थियरी जो है ये इन्होंने प्रपोज करी, और आज यही मानी जाती है। और कॉलेरा एपिडेमिक्स धीरे धीरे 19th century के खत्म होने के बाद बंद हो गई, क्योंकि सारे सिटीज़ ने सीवरेज सिस्टम बनाने शुरू कर दिए। तो न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस, इन सभी शहरों ने बाय द टाइम 20th century अराइव पब्लिक सैनिटेशन पे ध्यान देना शुरू किया, और इसी के कारण आज कॉलेरा एक उतनी बड़ी महामारी नहीं है, लेकिन अफ्रीका और एशिया देशों में आज भी ये बहुत बड़ी समस्या है, लाखों लोग इससे मारे जाते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।